मेंबर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मलिक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज हमारे ए डी लीगल इन डिटेल इतना कुछ आपको बता गए हैं कि मेरे मैं बताने वाली बातें बहुत थोड़ी हैं मैं थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मार्केट में अभी जैसे कि वो बता रहे थे कि हमारे पास जो माफिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है क्या आप एनालिसिस नहीं कर पाते कि भाई ये चीज़ एक नंबर है दो नंबर है जो तो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमारी मार्केट में एक नंबर दो नंबर वाली चीज़ नहीं है हमारे पास एक से ले कर दस नंबर तक की चीज़ें मौजूद हैं जो मार्केट में अवेल हैं और वो काबिल गिरफ्त नहीं है एक्ट है 2005 से जब से ये बना तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोग हिस्सा रहे इनके साथ फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का हिस्सा भी रहा हूँ अभी कौनसल का नॉन ऑफिशियल मेम्बर हूँ इसमें इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 2005 में एक्ट आया आज 2023 है तो पंजाब में सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट में जुजवी तौर पे काम कर रहा है ये नेटवर्क हालांकि होना ये चाहिए था कि ये हमारी बुनियादी हक है हर शख्स कंज्यूमर है और अपने हकूक़ का तहफ़ जो है वो उसका बुनियादी हक है कि उसको हर तरह से सिक्योर किया जाए उसे अच्छी मैारी प्रोडक्ट दी जाए आप मार्केट में देख लें कि हम लोग दूध लेते हैं 95 परसेंट दूध ऐसे हैं जिनके वो दूध ही नहीं है नेस्ले का हमने केस कंज्यूमर काउंसिल में देखा किया बल्कि उसको और उनकी उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया कि भैया आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो जो आपने जो चीज़ लिखी है वो उसमें नहीं है और उसके मुजर आए और कैजुअलिटी हुई एमरजेंसी में गए लोग तो मार्केट से अपना स्टॉक उठाएं वो बहुत बड़ी कंपनी है नेस्ले उन्होंने अपना सारा स्टॉक उठाया लेकिन ये मुमकिन तब हुआ कि कंज्यूमर जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा आगे बढ़कर अपने हक़ हाँ के लिए लड़ेगा नहीं इसी तरह ये फाखरा के केस है मुल्तान में मेडिकेयर का था बहुत बड़ी उसमें मिस्टेक थी फैसिलिटेट करने वालों की कि उन्होंने पेशेंट जो है वो लाइफ टाइम कोमा में अभी भी ज़ेर इलाज तो वो उसका बहरल उनके जो थे वो उनको पे करने पड़े सारे तो इसी तरह जो है मार्केट में अभी हमारे पास है, मैं कैंटोनमेंट एरिए में, में हूँ वहाँ पे अब आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है मार्केट में दूध का बता रहा था गैर मेरी दूध होने पर एक ट्रक पकड़ा गया वो जून का महीना था और वो कस्टडी में चला गया कैंटोनमेंट बोर्ड के तो वो एक हफ़्ते बाद जो अथॉरिटी थी एग्ज़िव ऑफ़िसर साहब उनको उन्होंने फ़ाइन पे करके कि मेरा ट्रक मुझे दिया जाए वापस तो एग्ज़िव ऑफ़िसर बड़े दरिया दिल थे और रहमदिल इंसान उन्होंने कहा इतने दिन से खड़ा उसमें दूध भी था यार अब ये ये लेके जाएगा इसे ना धो के वॉश करके दो थोड़ा पानी वगैरह ना उसके थोड़ी देर मामू बैठे थे, थे पे। तो उनका सर्वेंट आया कह लगा जी वो तो दूध अभी तक है उसमें सात दिन जून का महीना और उसमें दूध है तो इससे अगला मजाक ये हुआ कि कि दूध अभी तक कैसे है इसको एनालिस्ट एनालिस में वो दूध चला गया तो एनालिस ने उसको ओके का वो जो है ना सर्टिफिकेट दे दिया कि ये दूध ठीक है मीरी है अब ये एनालिस्ट लेबॉर्ट्री जो है वो पाँच सौ से हज़ार रुपए में उसको दूध को म्यारी करार दे रही है हमारे पास वो क्राइटेरिया है नहीं है कि वो चीज़ जो देखें ये बुनियादी हेल्थ में दूध का कितना बड़ा रोल है इंसान की सेहत के लिए दूध कितना इम्पोर्टेंट है तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट फिर दूध से बनने वाली चीज़ें तो इसी तरह जो हमारे पास दूसरी आम रोज़मर्रा में जो चीज़ें हमें मिल रही हैं आटा है घी है अभी न्यूट्रिशन वालों के साथ हमने एक सेशन किया तो उसमें भी यही इश्यू था हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं घी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हमारे इदारे किस तरीके से वो सर्टिफाई कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप जो है ना वो असल जो चीज़ है मैं आज के इस फोरम पे कि आप हमारे मुस्तबिल हैं लॉ से रिलेटेड हैं कल आपने आना है और आगे बढ़कर लोगों को उनका हक़ दिलाना है तो ये बड़ी इम्पॉटेंट चीज़ है इस हवाले से आज बहुत ताकतवर तो है सोशल मीडिया कि अपने दायरे में रह के आप अपने हक़ के लिए अपनों के हक़ के लिए ये पैगाम फैलाएं कि कंज्यूमर हमारे जो राइट्स हैं वो क्या हैं और इन राइट्स के लिए हमारी जो अथॉरिटीज हैं हमारे जो इदारे हैं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी असम्बली के मंबरान हैं उनको किस किस्म की कानून साजी करनी चाहिए कि हमारा मुआरा जो है वो बावकार बन सके हमें इंसाफ मिल सके लेकिन इस राइट को इस जो हमारी बुनियादी वो जो है हकूक़ हैं और इस कानून की अफादियत है उसको फैलाने में आप अपना रोल प्ले करें ताकि हम लोग एक अच्छा मुआरह एक बावकाराशरा तशकील दे सकें यही हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थैंक यू नाउ आई वु लाइक टू कॉल मिस्टर कल्बे आबद ख़ान ट्रेडर एंड नॉन ऑफिशियल मेम्बर द कंज़्यूमर काउंसिल टू प्लीज कमन स्टेज अलैक् जी मेरा नाम कल ख़ान है मैं ट्रेड यूनियन से भी वस्ता हूँ उसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल मुल्तान से तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आईएसपी की तरफ से जो भी इन्होंने हमें प्लेटफार्म दिया आप लोगों को आगही के हवाले से बेहद मशहूर हैं कि आप लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि किस हवाले से को कुछ चीज़ें मद्दनज़र रखनी चाहिए सबसे पहले तो देखे ख़रीदारी के हवाले से फैमिली रिलेशन के ऊपर जो है वो ख़रीदारी ज़्यादा होती है इसलिए हम इन कवानी को साइड पे कर देते हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते तो ये चीज़ें भी असरअाज करती हैं दूसरा अब मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल मार्केट से मोबाइल परचेस किया है तो दुकानदार आपको सबसे पहले कहते हैं जी आप यहाँ से सील वगैरह जो है यहाँ खोल के आप उसको चेक कर लें अगर कोई ख़राबी है या कोई मसला होगा तो यहाँ हम जिम्मेदार हैं अगर आपने घर जा के उसको सील ओपन करेंगे तो जहरी बात है फिर वो उनका कस्टमर केयर सेंटर वाला ही ज़िम्मेदार है अब वो पंद्रह दिन की डेट दे महीने की डेट दे या तीन महीने तक उसको ले के जाए उसमें दुकानदार का मैटर ख़त्म हो जाता है इस हवाले से भी लोगों को अभी थोड़ी सी ना आगही नहीं है लोग लड़ना शुरू कर देते हैं थाने में मामला पहुँच जाता है अदालत तक भी चला जाता है इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जैसे आपने फ़्रिज लिया है तो ज़्यादातर जहेज़ के हवाले से वो चीज़ें परचेज़ करते हैं तो घर में इस्तेमाल नहीं होती वो चीज़ चली जाती है दूसरे घर में तो चीज़ जैसे ही वो वहाँ पर उसको सील खोलते हैं तो उसमें कलर का फ़र्क आ जाता है या उसमें ख़राबी आ जाती है फिर वो दुकानदार का मैटर आ जाता है थाने में भी आ जाता है ट्रेड यूनियन में भी बाज़त चीज़ें आ जाती हैं इस हवाले से भी हमारे पास कई केसेस आए हैं उनको सॉल्व किया है तो हम यही थोड़ा सा सार्फ को आगाह करते रहते हैं ट्रेडर्स में भी ये चीज़ें आगाह करते हैं कि आप सारेफ का एहतराम करें सार्फ आप पे परमादाद के साथ आता है आप अगर गलत चीज़ें बेचते हैं तो जहरी बात है उससे बदनामी का बायस भी बनता है और सार्फ जो है वो भी ख़राब होता है तो इस हवाले से हम अक्सर आगाह करते हैं और आप लोगों को भी यही बताना चाहते हैं कि आप भी क्योंकि पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह आप कानून भी सीख भी रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा आप कामयाब हो के इस पर काम भी करेंगे लेकिन आप लोग जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखते हैं ताजर देखते हैं या ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं तो आप उसके हवाले से उनको आगाह करें या अगर लड़ नहीं सकते तो आप उनको थोड़ा सा बताएं उनके खिलाफ इदारे को इदारों तक उस चीज़ को पहुँचाएँ ताकि इदारे उस पर कार्रवाई करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल कई चीज़ें खुद डील कर रही होती है कई चीज़ें फूड अथार्टीज़ में आ जाती हैं महकमा सेहत के ज़मरे में भी आ जाती है प्रेस कंट्रोल कमेटी के हवाले से जैसे ए डी लीगल ने काफ़ी वजात से चीज़ें बताई हैं तो मेरे ख्याल से आप इससे बेहतर वो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सर प्रोसीडिंग द एंड ऑफ दिस सेमिनार नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रिस्पेक्टेड रेक्टर ऑफ आई एस पी डॉक्टर हयात अवान प्लीज कमन स्टेज फॉर द रिमार्क्स बिस्मिल सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर या जो भी और बाकी उन्होंने जो अवेयरनेस सेशन यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं और खसूसादनान साहब और एस सी का जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया बहुत अच्छी बात है कि ये लॉ के लिए यहाँ उन्होंने फ्यूचर में और केस भी इन पे प्रोटेक्शन के लिए जाना भी होगा मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस हर एक के लिए बड़ी ज़रूरी है हर कंज़्यूमर के लिए और जो इट इज़ अ गुड थिंग के जी अपना डेटा बता रहे थे मेरे ख़्याल में ये बहुत कम डेटा है मेरे नज़र में इस पर बहुत काम की ज़रूरत है खासकर यूनिवर्सिटीयों यूनिवर्सिटियों में मुल्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं क्योंकि मच्योर स्टूडेंट हैं मच्योर कस्टमर भी हैं कंज्यूमर हैं तो मेरे ख़्याल में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि ये मजार्टी मैं अपनी बात करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों मुझे भी नहीं पता तो मजार्टी कंज्यूमर को ये चीज़ों का नहीं पता कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये काम कर रही है तो इसके लिए ज़िम्मेदारान से मेरी गुज़ारिश होगी कि इसको एक्सपेंड करें इस एक्टिविटीज़ को और ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है स्कूल लेवल पे शायद इतनी करामद ना हो क्योंकि वो बच्चे इस किस्म के नॉलेज नहीं रखते लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ यहाँ मुल्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं बहावलपुर है बहावल मतलब जुनूबी पंजाब में मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं तो यूनिवर्सिटी में जाइए कॉलेज में जाइए और इनको कंज्यूमर को अवेयर करें और साथ ही मेरे ख़्याल में एस सी डी सी को मैं गुजारिश करूँगा कि इन फ्यूचर अगर ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग ये प्रोग्राम जो है बाक़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी अरेंज करें कि सिर्फ ला तक महदूद ना रखें नो no डाउट के लाभ वाले ज़्यादा कंसर्न हैं लेकिन बाकी हर एक को ये अवेयरनेस चाहिए तो कोई फ्यूचर में एक सेशन जो ऊपर दूसरा ऑडिटोरियम है ज़्यादा तदाद है तो वहाँ पर उनको ये अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करें मैन्यू अल्फाज के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खसूसा तलबा का कि वो इन फ्यूचर इसको आगे फैलाएं क्योंकि माउथ वायस से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं हो कोई चीज़ एक्सपायर नहीं होती तो बाकी स्टूडेंट को बाकी माशरे में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की चीज़ों को बताएं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर अब क्योंकि ये आ, सेमिनार अख्ताम को पहुंच रहा है तो अगर किसी ने इसके मतलक कोई सवाल पूछना है तो माइक उनके पास पहुंचाया जा सकता है किसी का कोई सवाल है जैसा कि आपने एक करीम के बारे में बताया अगर करीम नकली है तो उसकी अदायगी क्या होनी चाहिए क्योंकि मार्केट का एरिया तो बहुत ज़्यादा है उसे हमें कैसे जो है ना मतलब अंदाज़ा होगा क्या वो उसी एक प्रोडक्ट की अदायगी होगी या उस उसमें जितनी भी वो लिबार्टी हुई है और उस लिबार्ट्री पर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उन तमाम की अदायगी इसमें यह होता है कि जो आपने प्रोडक्ट की किया है उसके ऊपर तो ऑलरेडी उसका केस चलेगा उसकी मैनुफेक्चर को जो है वो फैक्ट्री को बैन कर दिया जाएगा और बंद कर दी जाएगी इसके अलावा जो है इतने इसको जिस एरिया में ये हो रही है और इसकी सेल कहाँ कहाँ तक पहुँची है उसको कवर किया जाएगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक हो रही है ताकि उन्हें इस पर बंद किया जाएगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फौरी तौर पे इसको कलेक्ट कर लें वापस जो है ठीक है ये होता है और इसके अलावा आपको डैमेज़ मिल सकते हैं अगर आपका हमने इस्तेमाल करने से उसका चेहरा ख़राब हुआ है या कोई मसला हुआ है तो उससे आपको डैमेज मिल सकते हैं और कोर्ट दिलवाएगी आपको और इसके अलावा कोर्ट फीस जो है वो जो वकील की है सॉरी लॉयर की फीस जो है वो भी कोर्ट आपको देगी जो है दिलवाएगी दूसरे थैंक यू जी 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 सर मेरा ये सवाल है कि कंज्यूमर कोर्ट ये डिवीज़न मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती हैं या तहसील लेवल पे भी आपको मिलेंगी मतलब अगर हमने कोई अपना ये दायर करनी है कंज्यूमर कोर्ट की तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा इसमें यह है कि तहसील लेवल पे अवेयरनेस तो मैं देता हूँ जाके लेकिन ये है कि अभी उसका कोई सेटअप खास नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जैसे कि विहाड़ी खाने लोधरा आपको मैंने बताया जो इन सिटीज़ में मेरी रेगुलर सेमिनार्स और मेरी मीटिंग्स होती हैं और इसके अलावा वहाँ पर मेरा एक एन का सेटअप है जिनके साथ मैं वो एक्टिविटीज़ करवाता हूँ और वो बकायदा जो है वो इसको हम अरेंज करते हैं और वहाँ से भी आप इसमें से नॉलेज ले सकते हैं इस क्योंकि विहाड़ी खानवाल लोधरा में हमारे जाय साहब जो है कि कोर्ट भी वहाँ वीक में एक दिन वहाँ लगती है विहाड़ी में एक दिन जाते हैं लोधरा में जाते हैं खानवाल जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हमारा अवेयरनेस होती है और वहाँ हमारे जज साहब भी जाते हैं कोर्ट में जो है ठीक है तो सर अगर डिस्ट तहसील लेवल के कंज्यूमर को अगर कहीं ये दरख्वास्त देने की ज़रूरत पड़े तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जाएगा आप डायरेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऑनलाइन गूगल प्ले पर जो ऐप है उस पर आप रिजु कर सकते हैं इसके अलावा हमारी जो जो वेबसाइट का है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करके कंज्यूमर सर्विस डॉट जी ओ वी डॉट पी के जब मैंने करवाई थी उस पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसके अलावा ये हो सकता है कि आप इन राइटिंग जो है वो हमें बाय पोस्ट भेज सकते हैं ठीक है थीके? या आपके इलाके का जो इस असिस्टेंट कमिश्नर है उनको आप मूव करेंगे कि क्योंकि वो कंज्यूमर इंस्पेक्टर होते हैं तो वो डायरेक्टली हमें मूव कर देंगे जो है मैं एक, एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि हम जब भी एज ए कंज्यूमर बात करते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं जैसे उन्होंने कॉस्मेटिक्स की बात की अब कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट फार्टी थी उससे स्किन डैमेज हुई उसकी रेपटिशन को डैमेज हुई उसके साथ साथ मेंटल डिस्ट्रेस हुआ इन तमाम चीज़ की कैलकुलेशन के बाद उसके डैमेज़ दिए जाते हैं कई केसेस में ये मीलियम्स में चली जाती है कई केस केसेस टू केस ये वेरी करता है कि आपकी रेपूटेशन आपकी मेंटल स्ट्रेस क्या हु क्या उसको इफ़ेक्ट हुआ है आफ्टर ए, वो जो फार्टी उसके अंदर प्रोडक्ट की वजह से अब फॉर एग्जांपल एक फीमेल है उसने एक फार्टी प्रोडक्ट यूज़ किया उसकी स्किन डैमेज हुई अब स्किन अब फीमेल्स के लिए स्किन डैमेज होना बहुत बड़ा लॉस है ये माशरे और वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो डैमेजेस हैं वो उसकी कैलकुलेशन होती है उसको बाकायदा तौर तो पर वैल्यूएट किया जाता है कि भाई ये डैमेजेस किस हद तक हुए हैं पाकिस्तान में तो नहीं फॉरेन कंट्रीज़ में ये ऑफ डॉलर तक भी जाती है कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई लॉस हुआ है तो उसको बिलियंस ऑफ़ डॉलर में डैमेजेस पे किए गए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ये एक जो सेशन आज करवाने का मकसद भी ये है कि आपको अवेयरनेस करें कि आप जो एज ए कंज्यूमर जो प्रोडक्ट परचेज़ करने मार्केट में जाते हैं उससे जो आपको नुकसान होते हैं उसकी uh, उसको किस तरह रिकवर किया जाएगा और किस तरह आपके डैमेजेस को uh, पूरा किया जाएगा तो बाकी और किसी का क्वेश्चन है तो वो बोल सकते सर मेरा जो क्वेश्चन है कि जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमने बूट ली है करने के लिए और वो हैं और हम बाहर में बूट लिए तो हम बाहर जाते हैं किसी भी फंक्शन में तो वो हमारी इसमें रेपुटेशन में फर्क आता वो है वो टूट जाते हैं जो कोई भी मसला बनता है तो हमारा उसमें क्या क्लेम है असर पड़ेगा वो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें शू जो है जिसकी सोल टूट गई उसका ऊपर से कलर जो है वो वो ख़त्म हो गया तो इसलिए आप उसके केस भी कर सकते हैं उसकी भी रिप्लेसमेंट होती है और ये कंपनी टू तो कंपनी वेरी करता है सर उसकी तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी हाँ, लेकिन जो हमारा वहाँ पे इंसल्ट हुई किसी भी फंक्शन में जाके पार्टी में उसका क्या वो, वो ये जैसे सर ने कहा कि ये आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर बे है कि उसकी पर डिटमेंड करती है कोर्ट लेकिन ये क्योंकि इतना माइनर नहीं होता है इतना ज़्यादा नहीं होता तो ये कौनसल में होते हैं ज़्यादातर केसेज जो है और कौनसल में जो है आपको इसकी आप ये करते हैं कि उसको वार्न करते हैं शॉपकीपर को वार्न करते हैं और उसके अलावा अगर वो वो तो उसको फ़ाइन भी कर देते हैं और वो आपको रिप्लेस भी करके देता है जो है अच्छा ये शूज़ के क्वेश्चन पे वो थोड़ा सा एक वाक्य है हमारे पास एक केस आया बहुत अच्छे लॉयर का था तो उन्होंने क्लेम किया कि मैंने शूज़ ख़रीदा 500 का था और जैसे बाज़ारों में स्टॉल लगे होते हैं तो वहाँ से मैंने ख़रीदा वो किस ज़ाहिर कि जैसे शूज़ जो मार्केट्स में स्टॉल लगे होते हैं किसी कपड़े की दुकान के आगे भी स्टॉल लगा होता है किसी बेकरी के आगे भी स्टॉल लेकिन वो जो स्टॉल होते हैं वो सेल वाले वो कोई ब्रांड नहीं होते और उनकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती ज़ाहिर है कि पाँच सौ रुपये का जो सेल पे लगा हुआ है तो उसने क्लेम किया कि जी मैंने इस शॉप से शूज़ ख़रीदा पाँच सौ का मैं शादी में गया और वहाँ पर जाकर जो है ना उसका वो जो बेस है वो सारी एक्सपायर थी सोल जो है वो ख़त्म हो गई और मेरा क्लेम है एटी थाउजेंड तो हम लोगों के पास वो केस ट्रायल हुआ एक दो मरतबा तो वकील साहब रेगुलर बाकायदगी से जो है ना आते रहे और हमने कहा कि आपका पता किया उस शॉप का और उसे नोटिस भेजा उसे बुलाया वो जी हमारी शॉप के सामने जो है ना वो स्टाल लगा हुआ था उस तो उसने ख़रीद लिया होगा उसे तो ये मेरी तो वो शॉप ही नहीं है हमने कही बात यह है कि आपने 500 हंड्रेड का लिया आपको इसका क्लेम 100 परसेंट भी कर थाउजेंड टू थाउजेंड आपको दिलवा देते हैं तो ताकि आपकी दाद रस्सी हो जाए मगर तो नहीं नहीं जी मैं अठ अस्सी हज़ार से कम फिर ए, एक एक लाख साठ हज़ार रुपये पे आ गया वो क्या जी मैं तो लाए रहा हूँ मेरा तो आने जाने का खर्चा है और ये चूँकि इन फ्यूचर आप भी अमली जिंदगी में आने वाले हैं और ला के स्टूडेंट हैं तो कहने का मकसद ये है कि दाद रस्सी मुमकिन है और वो उसकी कराई भी जा रही थी आखिर जो है ना जब अथॉरिटी के पास डी सी साहब के सामने हमने सारे हकाइक रखे तो वो एक ख़वान की शॉप थी जहाँ से उसने मर्दाना शू बाहर स्टाल से ख़रीदा था तो ये हर चीज़ का क्लेम किया जा सकता है लेकिन ये है कि इस कानून की आड़ में हम लोग भी दूसरों की तरह मैं समझता हूँ कि हम ओवरऑल ना माशरती सतह पे थोड़े इस हद तक पुअर हो गए हैं कि हम छोटी मोटी बदयांती को बदानती समझते नहीं तो जो हमारा क्लेम है उस क्लेम से बढ़कर 500 का जूता लिया हम अस्सी हज़ार रुपये क्लेम कर रहे हैं फिर वो दिन बढ़ते गए तो हमने एक लाख साठ हजार रुपये के क्लेम पे पहुंच गए तो बहरल थैंक यू आप आगे बढ़ें अपने हक हाँ के लिए बढ़ें और आपको दादरसी ज़रूर मिलेगी हर क्या कंज्यूमर एक्ट तलीमी इदारों पर भी लागू होता है जैसा कि एक मेडिकल कॉलेज है एक साल की बीस बीस तीस तीस, तीस लाख फीस ले रहे हैं इसके बारे में आपका क्या सवाल जवाब है तालीमी इदारों पर जो है वो एक तालीमी इदारे जो है अपनी सर्टन पॉलिसीज़ के तहत गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर वो काम करते हैं उनके ऊपर नहीं लेकिन ये है कि इसमें अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो कि इजमाई नोयत का है तो उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं जैसे कलेक्टिव राइट्स की बात की है मैंने तो उसका हो सकता है लेकिन ये है कि ऐसा सच होता नहीं है वैसे जो है अभी तक तो कोई कोई एक्ट वगैरह नहीं है नहीं इसमें को तक ऐसा कोई केस नहीं आया कोई एक्सक्यूज <laughs> मी uh, इसका आंसर मैं देती हूँ बिल्कुल होता है मैं जिस इदारे से पढ़ के आई उन्होंने दस साल तक मुझे डिग्री नहीं दी और चूंकि ज़ाहिर है मुल्तान से मुझे बार बार जाना पड़ता था किसी दूसरे शहर में एक दिन मैं इनके ऑफिस बैठी और इन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो कंज्यूमर एक्ट है वो तो इसको प्रोसीड कर सकता है आपने अजीब बात है इतने सालों से आपने कभी बताया नहीं उसके बाद अगले दो महीने इन्होंने कहा आपने अपने कैंपस से किसी की कॉल अटेंड नहीं करनी और यकीन जानिए उन दो महीनों मुझे कैंपस से हर बंदे की कॉल आई <laughs> मतलब मेरे एच हमारे कोऑर्डिनेटर्स हर बंदे की कॉल आई जो मैंने अटेंड नहीं करनी थी और मैं इनको बताती थी आज इस बंदे की कॉल आई आज इस बंदे की कॉल आई और उसके बाद ये केस क्योंकि ये किसी दूसरे शहर का केस था तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की कोर्ट ने ये केस दूसरे शहर को फॉरवर्ड किया वहाँ पे भी उन्होंने केस खुद लड़ा मैं कहीं नहीं गई सिवाय उस दिन जिस दिन मैंने डिग्री लेनी थी और उस दिन भी उन्होंने हाथ बांध के संडे को मेरे लिए कैंपस खोल के मुझे डिग्री दी <laughs> असलम सर जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स या अपना ड्रिंक्स वगैरह होते हैं जूसेस वग़ैरह ये क्योंकि केमिकल के होते हैं ज़्यादातर बने हुए तो ये जी. हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते तो इन पर परमानेंट बैन या इस तरह के स्ट्रिक्ट फैसले क्यों नहीं किए जाते बहुत कम देखने को मिलता देखें, आपकी है देखें आपके जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं बदकिस्मती से क्योंकि मेरा ये सेशन आपको मेन था कंज्यूमर एक्ट के हवाले से जो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आता तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता सकता था बदकिस्मती से जो हमारी फ़ूड आइटम्स हैं उनके अंदर जो फ़ूड कलर्स का इस्तेमाल होता है वो इतने इंजेज़स टू हेल्थ है कि अगर उसको चेक किया जाए तो वो डायरेक्ट आपको कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं आपके ये कलर्स जो हैं ये आपकी मिठाइयों में इस्तेमाल हो रहा है आपका फूड स्टफ जो केक्स हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है इसमें इस हद तक इस इस्तेमाल हो रहा है कि क्योंकि जो परमिटेड कलर जो इस्तेमाल करने के होते हैं वो खाद से कॉस्टली होते हैं तो ये लोग आर्टिफिशियल कलर्स को इस्तेमाल करके उसमें से जो है वो प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है वो बाद में बहुत होते हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि विजिलेंट आपको होना पड़ेगा अपने मखसूस एरिए को अपने इर्द गिर्द के एये को आप चेक करें मार्किट को चेक करें हमें बताएं हम कि जी ऐसी जगह पे ये चीज़ हो रही है वाइलेशन और अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करें जो एक मतहरक रोल अदा करें अपने एरिए को अपनी एरिए के मुतक करें और ऐसे ही सेमिनार ऐसी चीज़ें आप हमारे से ट्रेनिंग लेकर अब अपनी जगह पर जाके ये ट्रेनिंग्स आगे शेयर करें Now, at the end of this seminar, we would like to present a token of thanks to our respected guests. For this purpose, I would like to call Mentor Character Building Society, Ma'am Saima Ali, Head of Department of Law, Sir Sheikh Muhammad Adnan, and Pro-Rector of Institute of Southern Punjab, Sir Hayat Awan, to please come on stage and present token of thanks to our respected guests. I would like to invite Mr. gulbe Ali Khan to please come on stage. Mr. Saqib Rahil Khan, please come on stage. <laughs> Sir Ghazanfar Malik, please come on stage.